six case studies are there. Each case study carries 20 marks, so that makes 120 marks. So this section B carries 120 marks. Iske 6 case studies hai. Now, case studies is what? Case studies mein simply एक सिचुएशन दी होती है और सिचुएशन इज गिवन टू यू एंड इन दैट सिचुएशन व्हाट यू विल डू दैट इज बीन आस्क्ड टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्शन यू कैन टेक दैट इज अंडरस्टूड फ्रॉम योर आंसर. तो लेट्स रीड द केस स्टडी. वी विल हैव टू रीड द केस स्टडीज ऑल्दो दे आर लेंथी इनफ. केस स्टडी यस वी हैव हियर. Question number 7, case study. Yes. You are heading the risk operations, rescue operations in an area affected by severe natural calamity. Okay. Thousands of people are rendered homeless and deprived of food, drinking water, and other basic amenities. Rescue work has been disrupted by the heavy rainfall and damage to supply routes. The local people are seething with anger against the delayed limited rescue operations. When your team reaches the affected area, the people there heckle and even assault some of the team members, and one of the team members is even severely injured. Faced with this crisis, some team members plead with you to call off the operations, fearing threats to their life. In such a trying circumstances, what will be your response? And examine the qualities of the public servants which will be required to manage the situation. अगर briefly मैं बताऊँ तो ये case study में यही बोल रहा है कि आप एक जगह पे एक region में जहाँ पे आप appointed हो वहाँ पे नेचुरल कैलामिटी के वजह से काफी लोग होमलेस हो गए हैं. फूड नहीं है उनके, उन्हें फूड नहीं मिल रहा है. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा एंड बेसिक एमिनिटीज. और बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो सप्लाई करने में हेल्प करती है वो सब डिसरप्ट हो गई है. इसकी वजह से आप सप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो फूड और बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल. और आपकी जो टीम है वो अफेक्टेड एरिया में पहुंच गई है, लेकिन लोग बिकॉज दे आर वेरी एंग्री, क्योंकि ऑब्वियस है एंग्री होना, काफी समय से वो ये सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और उनको बेसिक एमिनिटीज मिल नहीं रही है. तो एंग्री होने के वजह से उन्होंने टीम मेंबर्स पे असॉल्ट करना चालू किया है और उसमें कुछ मेंबर्स इंजर्ड भी हो चुके हैं. और इस सिचुएशन में मेंबर्स आके आपको बोल रहे हैं, आप हेड कर रहे हो इस टीम को, मेंबर्स आपके आके आपको बोल रहे हैं कि उनके लाइफ को धोखा है, इसीलिए ये ऑपरेशन यही बंद कर देते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन है. और दूसरा है कि ऐसे सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक सिविल सर्वेंट के पास, पब्लिक सर्वेंट के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. ठीक है, लेट्स सी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या कैसे करेंगे इस सिचुएशन को डील. अब इस केस में पहले तो फैक्ट्स ऑफ द केस हमने समझ लिए है कि यस फैक्ट ऑफ द केस. इस केस में फैक्ट ये है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर रेंडर्ड होमलेस एंड डिप्राइव्ड ऑफ द फूड एंड बेसिक एमिनिटीज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज देयर इज अ डिसरप्शन इन द रेस्क्यू वर्क ड्यू टू हेवी रेनफॉल. And the third fact is assault on the team members due to anger by the people. Now these are the fact of the case. Now what will be my response or what should be your response? Okay. Now in such situation, what will be response? First, so there are multiple stakeholders. Isme stakeholders kon kon hai? Isme stakeholders aap hai, aapke team members hai, aur aapke jo log hai jo is situation se face kar rahe hai. और लार्जर सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, ये स्टेक होल्डर से. अब पहले आप कौन से किसको मैनेज करोगे या किसके साथ डील करोगे, पहले तो यू विल हैव टू टॉक टू पीपल. ओके, सो यू विल टॉक टू पीपल एंड यू विल हैव टू अपील देम टू कोऑपरेट. यू विल हैव टू अपील देम टू कोऑपरेट. ओके, देन व्हाट वी विल डू, वी विल कन्विंस देम. हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू परस्यूएट देम
टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स आर फेसिंग, ओके, कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से, बिकॉज हमने अभी देखा केस स्टडी में कि सारा जो हेवी रेनफॉल के वजह से सारे रूट्स जो है सप्लाई के वो डैमेज हो चुके हैं, सो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें डिफिकल्टी फेस कर रहा है उन्हें कंटिन्यूअसली सप्लाई करने में बेसिक अमेनिटीज का. सो यू विल हैव टू कन्विंस देम, हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप हमारी सिचुएशन को समझ लो, हम क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं. वी विल ऑल्सो कन्वे देम दैट एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली अंडरस्टैंड्स एंड एम्पेथाइज विथ यू एंड वी आर टेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू स्मूथली प्रोवाइड यू बेसिक एमिनिटीज. हम उनको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिचुएशन को पूरी तरह से समझ रहा है और हम आपकी सिचुएशन को पूरी तरह से समझ सकते हैं और जो जो पॉसिबल है वो सारे एफर्ट्स हम आपको एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं, ये उनको समझाना पड़ेगा. सो दिस विल बेसिकली हेल्प टू काम डाउन द सिचुएशन, ओके. देन अब ये हो गया, लोगों को समझाया, लोगों को समझाने के बाद सिचुएशन थोड़ी काम हो गई. नाउ यू आर लीडिंग, यू आर हेड ऑफ द टीम. नाउ यू टू टीम मेंबर्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी विल हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड पीपल. लोगों को हमें ये समझाना है कि हमारे जो टीम मेंबर्स है दे आर इक्वली कमिटेड टू सर्व यू एंड टू हेल्प यू कम आउट ऑफ द सिचुएशन. आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हमारे जो टीम मेंबर्स है आपको मदद करने के लिए कमिटेड है. और हम लोगों को ये भी बताएंगे डिस्कशन के थ्रू, हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू शो देम, कन्वे देम दैट वी आर वेरी सीरियस इन अवर एफर्ट्स एंड वी आर वेरी सिंसियर अबाउट इट एंड वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म अवर ड्यूटी विद द फुल पोटेंशियल एंड दैट्स व्हाई योर कोऑपरेशन इज नीडेड. ठीक है, नाउ आई विल हैव टू मोटिवेट, वी विल हैव टू मोटिवेट अवर टीम मेंबर्स टू वर्क फॉर अ पब्लिक गुड फॉरगेटिंग द पर्सनल इनकन्वीनियंस. आई विल कन्विंस, वी विल कन्विंस टू अवर टीम मेंबर्स कि इट इज नेचुरल दैट इन सच अ सिचुएशन द पीपल विल गो एंग्री एंड दे विल डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट देन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इसमें एम्पैथी इज रिक्वायर्ड बिकॉज यू कैनॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अदर्स विदाउट कीपिंग यूअर फुट इन टू देयर शूज. सो विदाउट एम्पैथाइजिंग देम वी कैनॉट अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन. सो इवन इफ वी आर गोइंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पर्सनल इनकन्वीनियंसेस वी विल टेल टू अवर टीम मेंबर्स दैट इवन इफ वी आर गोइंग थ्रू पर्सनल इनकन्वीनियंसेस सम पर्सनल डिफिकल्टीज वी विल हैव टू फॉरगेट दिस बिकॉज अवर अल्टीमेट गोल इज टू डू गुड फॉर द पीपल. आई विल ऑल्सो आस्क टू माई टीम मेंबर्स दैट डोंट माइंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड वॉट दे आर डूइंग और वॉट दे माइट बी गोइंग थ्रू. लोग किस सिचुएशन में से जा रहे हैं या गुजर रहे हैं वो सिचुएशन को हमें समझना चाहिए और थोड़ा सा हमें काम रह के उनके सिचुएशन को समझ के हमें उनका बिहेवियर को माइंड नहीं करना चाहिए और उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए. सो बेसिकली माई रिस्पॉन्स विल बी टू अपील फॉर द कोऑपरेशन. आई विल अपील देम फॉर द कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू द पब्लिक गुड विद अ फोर्टिट्यूड. फोर्टिट्यूड मतलब मोरल हीरोइज्म, पूरे मोरल हीरोइज्म के साथ पब्लिक गुड के लिए कमिटेड रह के हम उन्हें कोऑपरेशन के लिए अपील करेंगे लोगों को, उसके साथ साथ टीम मेंबर्स को भी. सो दैट विल बी माय रिस्पांस. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज पब्लिक सर्वेंट्स रिक्वायर्ड टू आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग द सिचुएशन. इस तरह की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए. वैसे काफी सारे क्वालिटीज चाहिए बट देन वी हैव मेंशन फ्यू. जैसे कि पहली चीज, लीडरशिप होना बहुत ही जरूरी है. जो भी व्यक्ति, जो भी, इफ यू आर हेडिंग अ रिस्क ऑपरेशन देन यू शुड हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज बिकॉज व्हेन यू विल हैव अ लीडरशिप क्वालिटी यू विल बी एबल टू टेक इनिशिएटिव्स, यू विल बी एबल टू टेक सच इनिशिएटिव्स व्हिच आर बेटर एंड व्हिच आर रिलेवेंट टू मैनेज द सिचुएशन. लीडरशिप क्वालिटी विल ऑल्सो हेल्प यू टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल इन दैट सिचुएशन एंड दैट लीडरशिप विल ऑल्सो हेल्प यू टू लीड अ टीम वेरी इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली टू अचीव द गोल वॉट यू आर एमिंग. सेकेंड थिंग विच इज वेरी नेसेसरी, सोशियल स्किल्स. ये सोशियल स्किल्स, ये जो क्वालिटी है सोशियल स्किल्स की, ये क्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज टू मोटिवेट टीम मेंबर्स एट द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर बाय द पीपल यू नीड सोशियल स्किल्स. सोशियल स्किल्स मतलब क्या होते हैं,
लोगों को कन्विंस करने का, लोगों को परसुएड करने का, लोगों का मन जीत लेने का, या फिर अपने पॉइंट पे उन्हें एग्री करवाना, ये सारी चीजें जो है सोशल स्किल्स में आती है। तो सोशल स्किल्स अगर नहीं रहे तो वी कैन नॉट कन्विंस पीपल, वी कैन नॉट मेक पीपल, वी कैन नॉट एग्री पीपल टू अवर पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई सोशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्विंस पीपल अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों को अपने सीरियसनेस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के सीरियसनेस के बारे में कन्विंस करना है, तो तुम्हें वो उस तरह का कम्युनिकेशन स्किल्स, उस तरह के सोशल स्किल्स, लोगों के साथ वो एंगेजमेंट, वो होना जरूरी है। लोगों को परसुएड करने के लिए और उनमें पेशेंस और आप में पेशेंस रखने के लिए और सिचुएशन के समय पे काम रखने के लिए और उनका कोऑपरेशन पाने के लिए यू नीड दैट सोशल स्किल्स। ठीक है, सो सोशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू परसुएड पीपल एंड टू हैव पेशेंस, बिकॉज विदाउट पेशेंस यू कैन नॉट कंटिन्यू योर वर्क। ठीक है, नाउ एम्पैथी। एम्पैथी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी एबल टू पुट हिज फुट इन टू द अदर शूज टू बेटर अंडरस्टैंड वॉट अदर्स आर गोइंग थ्रू। जब तक कि आप दूसरों की सिचुएशन, जैसे कि अंटिल एंड अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड वॉट यूर टीम मेंबर्स आर गोइंग थ्रू, वॉट द अदर पीपल्स आर गोइंग थ्रू, यू कैन नॉट गिव बेटर सोल्यूशन टू द सिचुएशन। एंड दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग द अदर सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ योर टीम मेंबर्स, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ द पीपल इज वेरी एसेंशियल टू हैव अ गुड एंड वर्केबल ऑप्शंस एट दैट टाइम और एट दैट सिचुएशन। फोर्टिट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। फोर्टिट्यूड इज अ क्वालिटी व्हेन देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, व्हेन देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, देन पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट हैव टू शो मोरल हीरोइज्म टू मेक दिस वर्क डन। ऐसे सिचुएशन में आपको एक मोरल हीरोइज्म, फोर्टिट्यूड जो है, हिम्मत रख के काम करना है, और एक तरह का मोरल हीरोइज्म दिखा के भी ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होपफुल आउटपुट आपको लाना है। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस इज डेफिनेटली टू होप फॉर अ गुड। दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन टू होप गुड इन अ सिचुएशन व्हेन देयर इज एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड एंड नेगेटिव एंड हैव लॉस दैट एंथुसिएज्म टू वर्क, बिकॉज योर टीम मेंबर्स हैव बीन असॉल्टेड, दे हैव लॉस दैट एंथुसिएज्म टू वर्क, पीपल आर वेरी एंग्री एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड। सो इवन इन सच अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होपिंग फॉर गुड इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड दैट कम्स ओनली वेन अ पर्सन इज इमोशनली इंटेलिजेंट। सो टू होप फॉर अ गुड इन अ सिचुएशन, इन सच अ डिजास्टर्स सिचुएशन एंड टू मोटिवेट अदर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कम्स थ्रू द इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट टू हैव अ कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस टू हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली, बिकॉज अगर आप में ही अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और आपने ही अगर अपना टेम्पर लूज कर दिया, आपने ही गिव अप कर दिया, देन द रिस्क ऑपरेशन विल नॉट गोइंग टू येल्ड द रिजल्ट्स, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस इवन एट द टाइम ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू इन दिस सेवन क्वेश्चन। लेट्स सी द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन ये एक केस स्टडी है जिसमें एट क्वेश्चन, यस हाँ, ये क्वेश्चन डी केस स्टडी में क्या बोल रहा है, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ द सिविल सर्वेंट एंड सिविल सर्वेंट्स पजेसिंग दीज क्वालिटीज आर कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। इन लाइन ऑफ ड्यूटी दे टेक वेरियस डिसीजंस एट द टाइम्स दे टेक वेरियस डिसीजंस एंड एट टाइम्स सम बिकम बोनाफाइड मिस्टेक्स। नाउ दिस बोनाफाइड मिस्टेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड। ठीक है, वॉट इज बोनाफाइड मिस्टेक्स। ठीक है, बोनाफाइड मिस्टेक्स मीन्स कि योर इंटेंशन वेयर गुड बट देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉट यू हैव डन दे आर डैमेजिंग और प्रोबेबली नॉट गुड। ओके, सो दैट इज बोनाफाइड मिस्टेक। मतलब आपने करना कुछ चाहा और हुआ कुछ, जिसको अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ एज लॉन्ग एज सच डिसीजन आर नॉट टेकन इंटेंशनली एंड डू नॉट बेनिफिट पर्सनली द ऑफिसर कैनॉट बी सेड गिल्टी। ठीक है, आपने जो भी निर्णय लिया है वो इंटेंशनली सही है, उसके पीछे का इंटेंशन सही थे और इसके पीछे आपका कोई भी पर्सनल बेनिफिट का इंटेंशन नहीं था, तो फिर ऐसे सिचुएशन में किसी पब्लिक सर्वेंट को गिल्टी प्रूफ करना या गिल्टी ये कर देना, वो
दैट विल नॉट बी राइट. सो दो सच डिसीजंस में एट टाइम्स लीड टू अनफॉर्सिन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इन द लॉन्ग टर्म, इन रिसेंट पास्ट फ्यू इंस्टेंसेस हैव सरफेस्ड वेयरिन सिविल सर्वेंट्स हैव बीन इम्प्लिकेटेड फॉर अ बोनाफाइड मिस्टेक्स, दे हैव बीन प्रोसिक्यूटेड एंड इवन इम्प्रिजन. सो दीज इंस्टेंसेस हैव ग्रेटली रैटल्ड एंड अफेक्टेड greatly rattled the moral fabric of the civil servants. Okay, now how does this trend affect the functioning of the civil services? First question. And what measures can be taken to ensure that the honest civil servants are not implicated for bona fide mistakes on their part? Now justify your answer. तो ओवरऑल इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि वेन एवर आपके सिविल सर्वेंट्स के इंटेंशंस अच्छे भी है और कोई पर्सनल बेनिफिट भी नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में भी उनके उन्होंने लिए हुए एक्शंस या डिसीजंस कभी कभी निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं या लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट को थोड़ा हार्म कर सकते हैं या फिर उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में देन सिविल सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है, इम्प्रिजन किया जाता है, बिकॉज आउटकम्स ऑफ व्हाट दे हैव डन और व्हाट एक्शंस दे हैव टेकन आर हैविंग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड देन अल्टीमेटली द आउटकम्स आर इम्पोर्टेंट. सो देन दे आर प्रोसिक्यूटेड एंड दे आर इम्प्रिजन. सो बट दीज सर्कमस्टेंसेस इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, सिविल सर्वेंट्स का जो मोरल ये है या फिर उनका जो मोरल फाइबर है सिविल सर्विस का, वो रैटल डाउन हो रहा है. तो कैसे, हाउ दिस इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द सिविल सर्विस, कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या मीजर्स, नाउ व्हाट मीजर्स कैन बी टेकन टू एंश्योर दैट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स आर नॉट इम्प्लिकेटेड फॉर बोनाफाइड मिस्टेक्स ऑन देयर पार्ट. सिविल सर्वेंट्स के साइड में उनके साइड से क्या मीजर्स लिए जाने चाहिए सो दैट वो इस तरह के एक्शंस या फिर इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस उनके एक्शंस के ना हो, ठीक है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, हम पहले उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे. देखो, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजंस बाय द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स डेफिनेटली हैव अ पोटेंशियल टू ब्रिंग ऑनेस्टी ऑफ देम इनटू क्वेश्चन. नो मैटर हाउ ऑनेस्ट द सिविल सर्वेंट इज, इफ द डिसीजन ही हैव टेकन और द एक्शन ही हैव टेकन, इफ द कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑफ डैमेजिंग, देन हिज ऑनेस्टी विल बी इन टू द क्वेश्चन. पीपल और द डिपार्टमेंट विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग हिज ऑनेस्टी बिकॉज अल्टीमेटली द कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट गुड. एंड हेंस इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, दैट मे रिजल्ट इन टू इरोजन ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. लोगों का भरोसा जो है सिविल सर्विसेज पे और इंस्टीट्यूट पे कम हो सकता है या ट्रस्ट कम हो सकता है, बिकॉज हाउ कैन पीपल बी अश्योर्ड ऑफ अ गुड इंटेंशन वेन द कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी अनफॉर्चुनेट. सो एंड देन अनदर एस्पेक्ट इज प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर इज लाइक होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर नो फॉल्ट ऑफ देम. बिकॉज हमने अभी भी देखा कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस वॉट वॉज दैट, दैट वॉज फॉलोइंग इथिकली राइट प्रोसीजर, इथिकली एंड लीगली राइट प्रोसीजर, बिकॉज इवन गांधी जी सेड दैट इफ यूर मीन्स आर गुड देन एंड विल बी ऑल्सो गुड. सो फॉलोइंग गुड मीन्स इज नेसेसरी, मीन्स यू कैन नॉट इवन हम डायरेक्टली प्रोसीजर को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, इंटेंशंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे इंटेंशंस होना दैट इज ऑल्सो नेसेसरी. सो देन बट इफ यू आर प्रोसिक्यूटिंग और इम्प्रिजनिंग एन ऑनेस्ट ऑफिसर हुज इंटेंशंस वेयर गुड, देन इट विल बी इक्वल टू होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर नो फॉल्ट ऑफ देम, बिकॉज दे हैव नॉट इंटेंडेड एनी रॉन्ग इन देयर एक्शन, दे हैव इंटेंडेड गुड. सो देर इज नो फॉल्ट ऑफ देम, बट देन वॉट इज द फॉल्ट वी विल सी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस. सो सच काइंड ऑफ इस तरह का अगर इम्प्रिजनमेंट जो है प्रोसिक्यूशन है, दैट मे डिस्करेज द डिसऑनेस्ट, दैट मे डिस्करेज द ऑनेस्टी एंड हेंस डैमेज द पब्लिक सर्विस, क्योंकि इट इज अनफॉर्चुनेट टू हैव सम अनफॉर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस, अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी एक्शन डन बाय द सिविल सर्वेंट वेन द इंटेंशंस वेर गुड, बट देन वेन यू इम्प्रिजन
such honest civil servants, then this will be discouraging honesty, and hence that will damage a public service. Because definitely, when the honest civil servants are discouraged by punishing them in the form of imprisonment or prosecution, then honest civil servant will not get attracted to the civil service, and then civil service will only get recruited dishonest people, or then dishonesty will be promoted. So system must always promote honesty by rewarding it, and discourage dishonesty by punishing it. Okay, now punishing good will automatically throw them out. अगर हम honest public servants को punish करेंगे तो ऐसे सिविल सर्वेंट जो है ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट जो है सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली गिव एंट्री टू द एविल. ओके, दैट विल ऑटोमेटिकली गिव एंट्री टू एविल. सच पनिशमेंट्स फॉर अ बोनाफाइड मिस्टेक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज दैट. सो सच पनिशमेंट्स फॉर द बोनाफाइड मिस्टेक्स डिस्करेज सिविल सर्वेंट्स टू टेक डिसीजंस फ्रीली एंड फेयरली. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If someone is taking any action with a good intention, but then even after being honest and good in his intention, if he is imprisoned or punished, then he will always be under fear of getting punished if he for any of his actions, and that's why he will not be able to take decisions in a free and fair manner, which is very important, because without any fear and favor, civil servants are expected to take decision or take any action without any fear and favor, means in a free and fair manner. But then this fairness and freeness will be not there in the decisions when such punishments are there. So public servants then won't be able to decide matters objectively, because they will not be able to take a bold decisions with the good intentions. बिकॉज देर विल बी ऑलवेज अ फियर ऑफ पनिशमेंट फॉर बोनाफाइड मिस्टेक. हमेशा एक डर रहेगा कि वॉट इफ दैट गोज रॉन्ग. तो इस डर के वजह से दे विल नॉट बी एबल टू टेक गुड डिसीजंस और बोल्ड डिसीजंस फॉर द गुड इंटेंशन ऑफ द पीपल. एंड ऑब्जेक्टिविटी जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, जिसमें देर इज नो प्रिजुडाइज, देर इज नो फियर, देर इज नो फेवर इन द डिसीजन मेकिंग. यू आर टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मेरिट. सो दैट विल नॉट बी देयर. And more than procedures, outcome or the consequences will be given preference. अगर इस तरह का consequences के आधार पे अगर किसी को punish किया या जाता या prosecute किया जाएगा, तो लोग civil servant जो है वो intentions को side में रख के सिर्फ outcomes पे ध्यान देंगे, और फिर they will use any procedure for achieving the good outcomes. Then that is also not right, because outcomes चाहे कितना भी अच्छा हो, but then procedure should have also to be procedure also have to be followed. A good procedure also have to be followed. That is equally important. Means procedure and outcome both are equally important, because in public life ends and means both should be just. Okay. So what measures can be taken to ensure that honest civil servants are not implicated for bona fide mistakes on their part? अभी उनके साइड से, सिविल सर्वेंट के साइड पे क्या ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि वो बोनाफाइड मिस्टेक्स के लिए पनिश ना किए जाए. द बेस्ट पार्ट इज टू अवॉइड सच मिस्टेक. ठीक है, अब ये किस तरह से हम ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं? जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स है, दे मस्ट ऑल्सो एंश्योर द प्रोसीजरल ऑनेस्टी. प्रोसीजरल ऑनेस्टी मतलब वही प्रोबिटी इन गवर्नेंस. प्रोबिटी इन गवर्नेंस मतलब वॉट एवर दे आर डूइंग और वॉट एवर प्रोसीजर दे आर फॉलोइंग, दे शुड अप्लाई the public service principles of impartiality, transparency, accountability, openness in their procedures, and they should conform to the procedural code, and that is how they can ensure the procedural honesty. Means at the part of procedure they are right, they are using good means, so that should be there. They should always stick to the procedural honesty. Second part they can do is they must always ensure that they are getting involved, they are involving all the relevant stakeholders in the decision making, so that their decisions command more allegiance. Kyunki if you are taking a decision by your own, then that decision may not command allegiance of other stakeholders. They will not follow or they will not conform to what you have taken, what decisions you have taken. So to get allegiance of all people,
यू दे मस्ट इन्वॉल्व पब्लिक सर्वेंट, दे मस्ट इन्वॉल्व ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स. नेक्स्ट थिंग, दे शुड ऑलवेज प्रोजेक्ट. नाउ एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, यू द सिविल सर्वेंट इज सपोज टू प्रोजेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एवरी डिसीजन. कि वॉट इफ आई वी डू दिस एंड वॉट इफ वी डू नॉट डू दिस. तो हर कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम प्रोजेक्ट करके उसके प्रोज एंड कॉन्स अगर देखेंगे, सो दैट कैन एंश्योर अ गुड डिसीजन. ओके, एंड देन सिविल सर्वेंट मस्ट ऑलवेज कीप एन ऑप्शन ऑफ अ राइट टू अपील. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेन एवर अ सिविल सर्वेंट टेक अ डिसीजन, ही शुड नॉट कंसिडर दैट वॉट एवर डिसीजन ही हैव टेकन, ही दैट डिसीजन इज अल्टीमेट एंड दैट डिसीजन इज बेस्ट. Because he should also take the view of others, and he should always keep an open option, one option open for the people to appeal. He, agar, if someone have a problem with that particular decision, if someone finds any fault into that decision, then that should be made correct by appealing to that, by appealing to the decision. Okay, so then decision can be corrected, and any anomaly in the public interest can be avoided. And that's why right to appeal should be always open. That option should be always open, and that will ensure a good decision. Then a decision should be democratically taken. Democratically decision लिया जाना चाहिए, ऐसे यूनिलैटरली और डिक्टेटर तरीके से डिसीजन नहीं लेना चाहिए. सिविल सर्वेंट शुड इन्वॉल्व मेनी स्टेक होल्डर्स एंड डिसाइड डेमोक्रेटिकली, बिकॉज देन कलेक्टिव विजडम इज ऑलवेज मोर डिपेंडेबल देन द इंडिविजुअल वन. इंडिविजुअल के नॉलेज और विजडम से हमेशा कलेक्टिव विजडम सही होता है. इट मे हैपन कि अकेले सिविल सर्वेंट को एट इंडिविजुअल लेवल ही मे नॉट एबल टू इमेजिन ऑल काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, बट देन वेन ऑल पीपल विल कम टूगेदर, दे विल बी एबल टू इमेजिन मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज, एंड दैट्स वाई द सच डिसीजन विल बी मोर परफेक्ट देन द डिसीजन टेकन बाई इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट मस्ट ऑल्सो एंश्योर दैट देयर डिसीजन इज नॉट टेकन हैपजर्डली. ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसे किसी कोई भी डिसीजन जो है वो जल्दबाजी में ना लिया गया हो. हर निर्णय को ड्यू टाइम एंड अटेंशन दिया जाना चाहिए बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट. कोई भी निर्णय को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको ड्यू टाइम और अटेंशन दिया जाना चाहिए, ताकि सारे तरह के उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर वो सोच ले. एंड द डिसीजन स्पेशली पर्टेनिंग टू द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट दैट मस्ट बी असेस्ड एट अ डिफरेंट लेवल्स बाय मल्टीपल अथॉरिटीज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, सो दैट देयर विल बी नो अनफॉरसीन डैमेज टू द पब्लिक इंटरेस्ट. ये सबसे जरूरी है कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त वो डिसीजन को असेस किया जाना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड. वो डिसीजन एग्जीक्यूट करने के पहले उसको असेस किया जाना चाहिए अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा. मल्टीपल कमिटीज उसको असेस करने चाहिए, अलग अलग हायर अथॉरिटीज ने भी उनको असेस करना चाहिए, और उसमें क्या क्या एनोमलीज है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, वो सब चीजों को कंसिडर करके एक फाइनल परफेक्ट डिसीजन बिफोर इम्प्लीमेंट एक लिया लिया जाना चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो अवॉइड कर सके, एंड वी कैन एंश्योर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, सो दिस इज हाउ अ गुड डिसीजन कैन बी टेकन. एक अच्छा निर्णय इससे, और जो है ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स, दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट बाय द बोनाफाइड मिस्टेक्स, बिकॉज देर विल बी लेस स्कोप फॉर सच बोनाफाइड मिस्टेक्स. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडी है 9th क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज द 9th क्वेश्चन. यस, 9th क्वेश्चन इज, एन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज वाज ऑन लूजिंग सेल्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. नाउ कंपनी हायर्ड अ रिप्यूटेड पब्लिक एग्जीक्यूटिव हु इंक्रीज्ड द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. हाउएवर सम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स केम अप रिगार्डिंग हिज इंडल्जेंस इन सेक्सुअल हरासमेंट्स एट द वर्क प्लेस.
After some time, a woman employee lost a complaint, a formal complaint to the management against the marketing executive about sexually harassing her. Faced with the company's indifference in not taking cognizance of her grievances, she lodged an FIR with the police. Realizing the sensitivity and gravity of the situation, company called woman employee to negotiate and in that she was offered a hefty sum of money to withdraw the complaint and FIR and also give in a writing that marketing executive is not involved in the case. Identify the ethical issues involved in this case and what options are available to the woman employee. So simply, this is case study about a sexual harassment at the workplace. In this, what is happening, एक कंपनी ने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को हायर किया है जो हु इज हेल्पिंग द कंपनी टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मीन्स ही इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी बट देन ही इज इन्वॉल्व इन टू द सेक्चुअल हरासमेंट देन वुमन कंप्लेन अबाउट अगेंस्ट दिस टू द कंपनी कंपनी हैव टेकन नो सो कंपनी ने इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया है जो कंप्लेन वुमेन ने लॉन्च किया है एंड देन एफआईआर फिर उसने वुमेन ने एफआईआर लॉन्च किया पुलिस के साथ तो इसमें ऐसी सिचुएशन में नाउ कंपनी हैव कॉल्ड वुमेन एम्प्लॉय टू निगोशिएट निगोशिएशन में उन्होंने वुमेन को काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफर किया है ये इसके एक्सचेंज में कि शी वुड विड्रॉ अ कंप्लेन एंड एफआईआर को विड्रॉ करने के लिए और उन्होंने ये भी अश्योरेंस दिया है कंपनी ने कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है वो आगे से ही इज रेडी टू गिव इन रिटर्न दैट ही विल नॉट इन्वॉल्व इन टू सच केसेस अगेन ठीक है नाउ क्वेश्चन इज कि इसमें इथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हियर एंड सेकेंड क्वेश्चन कि वुमन एम्प्लॉय के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है और वो क्या कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स सी व्हाट आर द इथिकल इश्यूज फर्स्ट फैक्ट ऑफ द केसेस फैक्ट क्या है केस में फैक्ट ऑफ द केसेस इज यस Just we have already seen fact of the case of marketing executives involved in the sexual harassment at the workplace. Woman employee lodge, woman employee ने formal complaint किया उसके ऊपर कोई action नहीं लिया तो फिर उसने FIR lodge किया है और फिर उसको अच्छा amount offer किया गया है complaint को withdraw करने के लिए और marketing executive return में लिख के देने के लिए तैयार है कि he will not do it again. But public policy क्या कहती है public policy मतलब हमारे पास एक law है जो that protect वो सेक्चुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस दिस इज द पब्लिक पॉलिसी एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड नाउ इथिकल इश्यूज इसमें क्या है इथिकल इश्यूज डेफिनेटली कंपनी इज इन्वॉल्व इन अ वायलेशन ऑफ लॉ क्लियरली कंपनी इज वायलेटिंग द लॉ बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस फ्रॉम सेक्चुअल हैरेसमेंट इज द लॉ एंड दैट बाय नॉट फॉलोइंग इट कंपनी इज वायलेटिंग दैट लॉ विच इज द फर्स्ट इथिकल कंसर्न There is a violation of a dignity of woman, which is the constitutional principle. ये हमारा constitutional principle है dignity of woman. In fact, dignity of every person should be protected. So this is इसका clear violation हो रहा है. Then company is promoting such unethical conduct. Definitely we can say that कि वही company indirectly such इस तरह का जो है unethical behavior promote कर रहा है unethical conduct promote कर रहा है. बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो उनके प्रॉफिट्स को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है सो जस्ट फॉर द प्रॉफिट मोटिव यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द डिग्निटी ऑफ अ वुमन ओके बाय नॉट पनिशिंग सच सच पर्सन एट द वर्क प्लेसेस इसमें गांधी जी का एक प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं जिसमें सेवन सिंस ऑफ गांधी जी है जिसमें एक है कॉमर्स विदाउट मोरलिटी तो इस तरह का बिजनेस का कोई उपयोग नहीं जो अपने पर्सन अपने जो एम्प्लॉयज है उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट ना करे company is not respecting its employee and sacrificing their dignity for the company's profit company ke profit ke liye wo company ke employee ke dignity ko bhi sacrifice kar rahe respect nahi kar rahe so that is not good or and that is not a good work culture there
एंड इन देर इज अब्सेंस ऑफ अ गुड वर्क कल्चर देयर फॉर एम्प्लॉइज. ऐसे वर्क एनवायरमेंट में विच इज नॉट गुड और कंडिसिव फॉर द वुमेन, वुमेन मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क और कंटिन्यू देयर. सो दिस इज इथिकल कंसर्न एंड इट क्लियरली शोज दैट देर इज अ पैट्रियार्कियल माइंड सेट इन द एटीट्यूड ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स वुमेन. जिस तरह से वुमेन्स के इशूज को या ग्रीवेंस को एड्रेस ना किया जा रहा है वहां पे, या फिर जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है या निगोशिएशन करवा रहे हैं, उस तरह से तो इट क्लियरली शो दैट दैट कंपनी इज हैविंग दैट पैट्रियार्कियल माइंड सेट टुवर्ड्स द वुमेन. दिस इज वन ऑफ द ग्रेव कंसर्न. एंड कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू सप्रेस द वॉइस ऑफ अ वुमन विच हैव रेज हर वॉइस फॉर द जस्टिस बाय नॉट हेल्पिंग और एड्रेसिंग हर ग्रीवेंस. उसके ग्रीवेंस को एड्रेस ना करके कंपनी जो है सप्रेस कर रही है वुमेन का वॉइस. ठीक है, सो दिस इज जेंडर इनजस्टिस. एंड फाइनली कंपनी इज शोइंग अटर डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन राइट्स, लॉ ऑफ द लैंड एंड पब्लिक पॉलिसी. जो पब्लिक पॉलिसी है जो प्रोटेक्ट करती है सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, उसके साथ साथ लॉ ऑफ द लैंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वुमेन के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस कर रहा है, और ह्यूमन राइट्स है अपने कंट्री में, वो सारी चीजों के बारे में कोई भी डिसरिगार्ड कंपनी को है ऐसा लग नहीं रहा है जिस तरह से कंपनी वुमन के इशू को डील कर रही है. ठीक है, तो अभी वुमन के पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? पहला ऑप्शन, शी कैन लीव द कंपनी. सेकेंड ऑप्शन, सी कैन एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अ हेफ्टी सम एंड रिमेन म्यूट स्पेक्टेटर ऑफ सच अ एक्ट इन द कंपनी. वो ऑफर एक्सेप्ट करके शांत बैठ सकती है. एंड थर्ड ऑप्शन अवेलेबल टू हर इज टू फाइट अगेंस्ट सच एक्ट बाय डिनाइंग एनी काइंड ऑफ निगोशिएशन. किसी भी तरह का निगोशिएशन इस मामले में डिनाई करके वो फाइट कर सकती है अगेंस्ट सच एक्ट. ऑप्शन ए को अगर हम देखेंगे तो लीविंग कंपनी विल नॉट बी गुड ऑप्शन बिकॉज इट विल बी इक्वल टू गिव अप एंड वुमन शुड नॉट गिव अप बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ हर डिग्निटी, इट्स अ मैटर ऑफ जस्टिस एंड वुमन शुड नॉट लीव कंपनी बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अदर वुमेन एम्प्लॉइज बिकॉज वुमन विल लीव एंड शी विल मीन्स शी विल प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम सच एक्ट इन दैट कंपनी बट शी मे फेस सच अदर शी मे फेस सच सिमिलर एक्ट ऑफ सेक्चुअल अब्यूजेस इन अनादर कंपनी शी मे ज्वाइन इन द फ्यूचर. अ पार्ट ऑफ दैट द वुमन एक्सेप्ट मीन्स द अदर वुमन जो दूसरी वुमन से कंपनी में जो दूसरी वुमन एम्प्लॉयज है दे विल डेफिनेटली फेस सच काइंड ऑफ सेक्चुअल अब्यूजेस कंसिडरिंग दैट नो वन इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द कंपनी एंड दैट्स वाई लिविंग कंपनी विल बी इक्वल टू गिव अप एंड दैट वुमन इज नॉट सपोज टू डू. सेकंड ऑप्शन इज एक्सेप्टिंग हेप्टिसम ऑफर्ड टू वुमन वुड बी अ क्राइम, दैट वुड बी अ क्राइम बिकॉज क्योंकि जिस तरह बोलते हैं कि भाई गुनाह करने वाले से गुनाह सहने वाला ज्यादा गुनेगार होता है. सो दैट इज कंप्लीटली ट्रू. सो बिकॉज बाय डूइंग सो व्हेन वुमन विल एक्सेप्ट दैट ऑफर ऑफ अ हेफ्टी सम शी वुड बी फेलिंग टू प्रोटेक्ट हर डिग्निटी एट द फर्स्ट प्लेस एंड सेकंडली शी विल ऑल्सो बी इनडायरेक्टली सपोर्टिंग सच काइंड ऑफ एक्ट इन द कंपनी एंड डेफिनेटली बाय नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस एक्ट शी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सच एक्ट विच इज अ क्राइम इक्वल टू द क्राइम डन बाय द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स एंड दैट्स वाई हर टॉलरेंस टू सच अब्यूजेस विल प्रमोट सच मोर वायलेंसेस अगेंस्ट अदर वुमेन एम्प्लॉइज विच इज नॉट गुड. ओके, थर्ड ऑप्शन अवेलेबल इज फाइटिंग अगेंस्ट सेक्चुअल अब्यूजेस बाय लॉजिंग FIR एंड नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑफर. दैट वुड बी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बिकॉज कंपनी ने लॉ को वायलेट किया है तो कंपनी शुड बी पनिश्ड, दैट शुड बी पनिश्ड. कंपनी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने लॉ को वायलेशन किया है और जो भी लॉ को वायलेशन हो रहा है उसको टॉलरेट भी किया है. अ पार्ट ऑफ दैट देयर इनएक्शन अर्लियर व्हेन द कंपनी लॉन्च द कंप्लेन, वुमन ने जब कंप्लेन लॉन्च किया तब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके लिए भी उन्हें पनिशमेंट होनी चाहिए. एंड एक्सेप्टिंग ऑफर ऑफ अ हेफ्टी सम फॉर नॉट कंप्लेनिंग वुड बी इक्वल टू सब्ज्यूमिंग टू सच पैट्रियार्कियल माइंडसेट एंड अब्यूजिव टेंडेंसी एंड दैट्स व्हाई दैट इज नॉट एडवाइजेबल. सो कंपनीज ने नॉर्मली इफ यू कंक्लूड दिस तो कंपनीज ने क्या करना चाहिए, कंपनी शुड नेवर टॉलरेट सच काइंड ऑफ सेक्चुअल अब्यूजेस एट द वर्क प्लेस एंड दे शुड इंश्योर अ वुमन फ्रेंडली वर्क एनवायरमेंट इन द कंपनीज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज